हम लोगों ने पूसा संस्थान में भी सरदा खरबूजे की भी एक प्रजाति विकसित की है, पूसा सरदा के नाम से। ये करीब एक किलो का फल होता है, बाहर से बिल्कुल पीला रंग का होता है और ये थोड़ा सा स्लाइटली ओवल लेकिन गोल होता है और इसमें एक पौधे पे दो से तीन फल लग सकते हैं। अभी हाल में ही हमने इसकी और उन्नत किस्म विकसित की है जिसे हम पूसा सुनहरी के नाम से जानते हैं और सुनहरी नाम इसलिए दिया गया है कि इसका जो गूदा है वो भी नारंगी रंग का होगा, यानी ऊपर जो खरबूजे का फल होगा वो भी पीले रंग का होगा और अंदर का गूदा जो होगा वो भी नारंगी रंग का होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे आम खरबूजा जो होता है जब पक जाता है या जब तैयार हो जाता है तो वो अपनी बेल से बिल्कुल खुद ही अलग हो जाता है जिस कारण उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है। ये जो सरदा खरबूजे हैं ये मैच्योर होने के बाद भी बेल से अलग नहीं होते हैं और इसको आप मार्केट में 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक भी ये रह सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं आती है। अब जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाके के जो किसान हैं जो इसकी खेती अभी करना चाहते हैं, या तो आप पॉलीथीन की एक छोटी सी झोपड़ी बना लें, जो प्लास्टिक की पाइप लें और उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दें और उसके अंदर अभी हम इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आप 10 से 15 सेंटीमीटर की जो छोटी छोटी पॉलीथीन है वो ले लें, उसमें 4-5 छेद कर लें और अगर आपके पास बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद है तो वो ले लें, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेता, ये मिलाकर उसमें भर दें और हर जो प्लास्टिक की जो थैली है उसमें एक एक बीज डाल के और जो पॉलीथीन का जो आपने झोपड़ी बनाया उसके अंदर इसकी नर्सरी तैयार कर लें और फिर जो ही पाला की समस्या की संभावना खत्म होती है फरवरी के प्रथम सप्ताह में आप इसको खुले खेत में लगा सकते हैं, या अगर आपके पास नेट हाउस या पॉली हाउस है तो उसमें अगर पॉली हाउस में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल 20-25 जनवरी के बाद कभी भी आप इस पौधे को पॉली हाउस में डायरेक्टली लगा सकते हैं। उन पौधों को ऊपर की तरफ हम ट्रेंड करते हैं, या तो आप नायलन की नेट पे आप ट्रेंड कर सकते हैं या आप रस्सी लगा के उनको ट्रेंड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना कि जब हम इसको पॉली हाउस या नेट हाउस में लगाते हैं तो इसमें हमें परागण का काम करना होता है क्योंकि खुले खेतों में तो मधुमक्खियां करती हैं और जब 40 से 50 दिन के बाद इसमें हमको परागण का काम खुद से करना होता है। लेकिन अगर आपके एक पौधे में भी अगर दो या तीन फल आप बनाते हैं तो जो टोटल आपका उत्पादन होगा करीब 550 क्विंटल तक आपका एक हेक्टेयर में हो सकता है।